दक्षिण वनमंडल पन्ना के वन परिक्षेत्र पबई के बैंधिहार में बीते वर्षों की भांति दो दिवसीय अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मंगलवार को पबई विधायक प्रहलाद लोधी की मौजूदगी में 150 विद्यार्थी बैंधिहार के जंगल पहुंचे और प्रकृति के करीब पहुंचकर वन एवं प्रकृति को जाना व समझा। इस दौरान पबई विधायक ने कहा कि वन्य प्राणी एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता आवश्यक है। जागरूक समाज ही प्रकृति एवं जैव विविधता संरक्षण के मार्ग को प्रतिष्ठित करता है। साथ ही वन परिक्षेत्र अधिकारी ने भी बच्चों को पर्यावरण संरक्षण की विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर पर्यावरण प्रेमी शिक्षक सतानंद पाठक सहित अन्य शिक्षक शिक्षिका वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी सहित विद्यार्थी मौजूद रहे। समारोह में मौजूद हूँ दक्षिण वन मंडल पन्ना के वन परिक्षेत्र पवई के अंतर्गत बैंधिहार में, जहाँ पर प्रदेश के साथ साथ यहाँ पर भी एक अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं पवई वन परिक्षेत्र अधिकारी युवा श्री नितेश पटेल जी। आइए उनसे जानते हैं कि ये अनुभूति कार्यक्रम होता क्या है और इससे जो बच्चे बुलाए जाते हैं उनको कौन कौन सी चीजें बताई जाती हैं। जी सर, ये अनुभूति जो कार्यक्रम होता है, ये वास्तविकता में इसका महत्व क्या है और होता क्या है? ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश शासन द्वारा इको पर्यटन बोर्ड के अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें जो युवा पीढ़ी है, जो अभी स्कूल में शिक्षारत है, उनको इस जंगलों से जोड़ने का, वनों से जोड़ने का, वन के महत्व, इको सिस्टम को समझने का एक सीधा माध्यम होता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को जंगल में घुमाया जाता है, जंगल के विभिन्न घटकों के बारे में, महत्वपूर्ण घटकों के बारे में लाइव दिखाया जाता है, लाइव उनका अनुभव और उसके महत्व को दिखाया जाता है। आज जो है कितने विद्यालयों के बच्चों को आमंत्रित किया गया है? आज पवई के विभिन्न 3 विद्यालयों के बच्चे जो इस कार्यक्रम में आए हुए हैं और उनके शिक्षक गण और उनके प्राचार्य भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। लगभग लगभग कितनी संख्या में? लगभग आज जो लगभग 150 के आसपास स्ट्रेंथ है, जो आज टोटल बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सभी बच्चे अभी जंगल में गए हुए हैं और कार्यक्रम के अलग अलग पड़ाव पे अंदर घूम रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में दक्षिण वन मंडल पवई के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री नितेश पटेल जी, जिन्होंने बताया कि जो ये अनुभूति कार्यक्रम होता है वो वास्तविकता में होता क्या है और इससे बच्चों को क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं ताकि उनका प्रकृति के प्रति जो प्रेम है और जो जागरूकता है वो बनी रहे। MKN न्यूज़ के लिए पवई से अनूप शुक्ला। आज हम इस गेंदिहार में अनुभूति कार्यक्रम में वन परिवार के साथ, शिक्षक बंधुओं के साथ, समाज सेवियों के साथ, बालक बालिकाओं के साथ और सभी पत्रकार बंधुओं के साथ में ये मौका मिला और ये कार्यक्रम होते रहे और हमें भी वन विभाग के साथ कंधे से कंधा मिला के वन प्राणियों की रक्षा करने के लिए, वहाँ के पेड़ पौधों की रक्षा करने के लिए, जो आग लोग लगा देते हैं इन दिनों, उस आग से बचाव करने के लिए कंधे से कंधा मिला करके हमें इस जंगल की रक्षा करना पड़ेगी।